टाटा पंच फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान आई नजर इन बदलावों के साथ अगले साल मार सकती है एंट्री। टाटा पंच फेसलिफ्ट के हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स में कई बाहरी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फेसलिफ्टेड टाटा पंच में संभवतः अधिक व्यापक इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो टाटा पंच ईवी में 10.25 इंच डिस्प्ले के समान है। 2025 टाटा पंच में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है जो 88 पीएस और 115 न्यूटन मीटर का उत्पादन करता है। ऑटो डेस्क नई दिल्ली। टाटा पंच एसयूवी को साल 2021 में सबसे पहली बार पेश किया गया था। वर्तमान में ये देश की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। कंपनी जल्द ही इसका फेसलिफ्ट मॉडल पेश करने वाली है और इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। टाटा पंच फेसलिफ्ट में होंगे ये बदलाव। हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स में कई बाहरी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक नया ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और नए अलॉय व्हील डिजाइन शामिल हैं। डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील अपने मूल डिजाइन को बरकरार रखते हैं, लेकिन फेसलिफ्ट में पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलने की उम्मीद है। संभावित फीचर्स और इंटीरियर। फेसलिफ्टेड टाटा पंच में संभवतः अधिक व्यापक इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो टाटा पंच ईवी में 10.25 इंच डिस्प्ले के समान है। गियर लीवर के पास टाटा अल्ट्रोज पर देखा गया ड्राइव मोड बटन भी देखा जा सकता है। टेस्टिंग व्हीकल में मौजूदा स्टीयरिंग व्हील डिजाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन पंच ईवी सहित हाल के टाटा मॉडल में देखा गया एक नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी हो सकता है। पंच फेसलिफ्ट में पंच ईवी की तरह नई ग्रिल और हेडलाइट डिजाइन होने की उम्मीद है। इसमें नए डिजाइन वाले 16 इंच के अलॉय व्हील भी शामिल हो सकते हैं, जबकि टेल लाइट्स मौजूदा मॉडल से अपरिवर्तित रह सकती हैं। अपडेटेड टाटा पंच में 10.25 इंच का पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360 डिग्री कैमरा शामिल हो सकता है। इंजन और परफॉर्मेंस। 2025 टाटा पंच में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है जो 88 पीएस और 115 न्यूटन मीटर का उत्पादन करता है। इसे 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड एंड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसमें हाल ही में पेश किए गए स्विफ्ट के 1.2 लीटर 3 सिलेंडर यूनिट के रिफाइनमेंट की कमी है। 73.5 पीएस और 103 न्यूटन मीटर जनरेट करने वाली सीएनजी विकल्प की भी उम्मीद है जो संभावित रूप से टाटा टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी के समान एंड गियरबॉक्स पेश करता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।